आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है और आज हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग दो लेकर के आए हैं और इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमने सम्मिलित किया है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अव्यय या अविकारी शब्दों को। तो समय बर्बाद नहीं करते, हम सीधा प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखें, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? इससे पहले हम जानते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। तो क्रिया विशेषण होता है अव्यय या अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इनसे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें अलग अलग किताबों में मतभेद है, क्योंकि अलग अलग किताबों में किसी ने चार दे रखे हैं, किसी ने पाँच दे रखे हैं, किसी ने छः दे रखे हैं। तो हमें ऐसे प्रश्नों पर उलझना नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं जिन पर विरोधाभास हो। लेकिन फिर भी अगर ये प्रश्न आता है तो मेरे हिसाब से आप चार ही राइट करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी व्याकरण जो 9वीं से 12वीं चलती हैं उसमें इसके चार भेद ही बता रखे हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से? तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्च बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक दे रखा है। और अगर अन्य भेद इसका माने तो निपात भी इसी के अंतर्गत आता है। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? एक अव्यय है। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये क्लियर है, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन सा? कालवाचक, हितिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गुणवाचक गलत है, क्योंकि इसका चौथा भेद कौन सा होता है? परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी वे अविकारी शब्द कौन से हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं? तो संबंध बोधक होता है या क्रिया विशेषण होता है, निपात होता है या समुच्च बोधक होता है। तो इसमें राइट होगा द समुच्च बोधक अव्यय, क्योंकि इनका काम होता है जोड़ने का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहा विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में अब देखने को मिलता है। तो इस पर ध्यान रखें, क्योंकि विस्मयादि बोधक पे सीधा प्रश्न बनता है तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा टफ हो जाता है, तो इन्हें भी आपको देखना ज़रूरी है। इसके दो ऑप्शन नीचे हैं, ये अहा विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, शोक सूचक हैं, भय सूचक हैं, हर्ष सूचक हैं या स्वीकार सूचक हैं, ये किस प्रकार का है? अहा तो ये कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हर्ष सूचक। ध्यान रखें इसमें, क्योंकि हर्ष सूचक क्यों है? क्योंकि इसमें खुशी प्रकट हो रही है। अहा देखो कितना सुंदर दृश्य है, अहा देखो आम, तो यहाँ पे उसकी खुशी प्रकट हो रही है। ध्यान रखना, इसी की जगह एक शब्द में बता दूं आह, तो आह शोक सूचक हो जाएगा। आह ये कैसे हो गया? तो ध्यान रखें, आह तो चला जाएगा शोक सूचक में और अहा आएगा हर्ष सूचक में। इसकी पूरी सारणी मैंने, ये आप देखिए इसकी पूरी सारणी, इसको चेक करें आप और ये सारे चीज़ें याद करने की कोशिश करें, ताकि इस प्रकार का अगर अगली बार कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं हो। चौथा प्रश्न देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें कौन सा है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है? तो देखते हैं अपन, रीति, रीति का मतलब कैसे, यानी वो जो किसी भी क्रिया के कार्य का होने का ढंग जो है, रीति है, वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखो, किसी भी क्रिया का रीति होगी अचानक या तेज। बंदर अचानक आ गया, यानी उसका ढंग क्या था, तरीका क्या था, रीति क्या थी अचानक से, तो यहाँ पे अचानक और तेज राइट होगा। उतना जितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अंदर नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नित्य और कल कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा वाक्य में अव्यय कौन सा है?
तो इसमें निपात नहीं है, विस्म्यादि बोधक नहीं है, समुच्च बोधक नहीं है, तो बचा कौन सा है अपने पास? संबंध बोधक अव्यय है। क्यों है संबंध बोधक, ये देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आई दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ बताया जाता है तो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, आपके पास दोनों सर्वनाम है तो सर्वनामों का संबंध बताया जा रहा है, जैसे तेरे और मैं, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है? बीना। इस वजह से इसमें कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय है। कहते हैं किस अव्यय को परसर्गी शब्द भी कहते हैं? तो ये सीधा प्रश्न याद रखने वाला तो ये होता है संबंध बोधक अव्यय को जो है परसर्गी शब्द भी कहते हैं। परसर्ग, परसर्ग किसे कहते हैं? तो कारक होते हैं आठ, कारकों के चिन्ह जो होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, ने, को से, ये जो हैं ये कारक चिन्ह हैं और इन्हीं कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। तो संबंध बोधक में क्या होता है? किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताया जाता है तो संबंध में का के की आता ही है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है इसको परसर्गी शब्द भी कहते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम ऐसा कैसा शब्द है कि किस अव्यय को योजक भी, योजक शब्द भी कहते हैं? योजक, योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ने का काम कौन करता है? योजक का मतलब होता है जोड़ना और जोड़ने का काम करता है समुच्च बोधक अव्यय। इसलिए समुच्च बोधक अव्यय को जो ही क्या कहते हैं? योजक शब्द भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? अब किस वाक्य में जो है निपात का प्रयोग हुआ है? तो इसके पहले अपन देखें कि निपात कहते किसे हैं, निपात होता क्या है, क्योंकि ये जो है अव्यय में अन्य भेद के अंतर्गत आता है। तो निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए प्रयोग होते हैं। विशेष रूप से किसी भी शब्द पर बल देना हो, प्रभाव छोड़ना हो, उसके लिए ये प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग से जो है वाक्य पूरा ही बदल जाता है, उसका अर्थ जो है विशेष हो जाता है। देखो हरीश छत पर बैठा है, सिंपल बात है, हरीश छत पर बैठा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मेरे पास 100 रुपये हैं, कोई बात नहीं है। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, सामान्य सी बात है। अगर बहुत सारी बार बच्चे ऐसा एक भ्रांति मन में बैठा रखी होती हैं, बहुत सारों को मैंने सुना भी है, बात करते हैं कि भाई अक्सर अगर हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और उसमें अगर ऑप्शन में कोई लंबी लाइन दे रखी होती है तो उसको राइट कर देना होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से तुक्के हमको नहीं लगाने हैं, ये सरासर गलत है, ध्यान रखें। अब ध्यान रखें, देखो इसका उत्तर, मोहन बनारस ही जा रहा था, इसमें ही शब्द प्रयुक्त आया है, क्योंकि निपात के अंतर्गत ही, भी, तो, भर, मात्र, तक, सिर्फ, केवल, ठीक, मत, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं और ये विशेष प्रयोग प्रदान करते हैं। देखो मोहन बनारस ही जा रहा है, अब इसमें ही को हटा दो, मोहन बनारस जा रहा है, यानी सिंपल बात है, मोहन बनारस जा रहा है, लेकिन ही लगाने से मोहन बनारस ही जा रहा है, यानी वो सिर्फ बनारस में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, यानी ये विशेष अर्थ प्रदान किया गया है। इसलिए यहाँ पे निपात का प्रयोग जो है ऑप्शन सह में मोहन बनारस ही जा रहा है प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 विलोम शब्द से संबंधित है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा एक ऐसा है जो गलत है तो वो ढूंढना है, यानी कि 3 इसमें सही हैं और 1 गलत है। तो देखते हैं, सापेक्ष का निरपेक्ष है, बिल्कुल सही है, स्वकीय प्रक्रिया का भी सही है, व्यष्टि समष्टि का भी सही है, लेकिन इसमें कौन सा है? आपत्ति विपत्ति गलत है, क्योंकि आपत्ति का विलोम शब्द होता है अनापत्ति। प्रश्न संख्या 10, कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो इसमें भी 3 सही हैं और 1 गलत है। तो अतिथि का आतिथ्य सही होता है, अथ इति सही है, अभियुक्त का अनुपयुक्त गलत होता है, अभियुक्त का होता है अभियोगी, ध्यान रखें, इह पर सही है, अभियुक्त का होगा अभियोगी। अगला प्रश्न, कापुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो कापुरुष का विलोम शब्द होता है पुरुषार्थी। प्रश्न संख्या 12, कौन सा विलोम युग्म सही है? कहने का मतलब यहाँ पे 3 गलत हैं, 1 सही है। देखते हैं, प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा,
और पश्चिम दिशा के लिए इसका विलोम है प्रतीचि, प्राची का होगा प्रतीचि, ये गलत है। स्वगत प्रकट यह सही है। स्वगत और प्रकट जो हैं ये नाटक के कुछ शब्द हैं उनमें से लिया गया है। तो स्वगत का मतलब होता है नाटक में अपने आप से बोलने वाले जो हैं उनको स्वगत कथन के अंतर्गत आता है, और प्रकट जो दूसरों के लिए बोले जाते हैं उनको प्रकट, तो ये सही है, याद रखें। वाग्मी, वाग्मी का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, तो इसका होता है मितभाषी, तो ये भी गलत है। शिरोमणि, शिरोमणि का होता है चरण धूली, ये गलत है, शिरोधूली नहीं होगा, शिरोमणि का होगा चरण धूली। प्राची का प्रतीचि, वाग्मी का मितभाषी, शिरोमणि का चरण धूली। अथ का विलोम शब्द होता है इति, अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है समाप्ति, अथ का होगा इति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म गलत है, यानी कि इसमें तीन सही हैं और एक गलत है। सृष्टि का प्रलय सही होता है, उपकार, उपकार का अपकार सही होता है, ध्यान रखें उपकार का अपकार सही होता है, तो ये गलत है। और पतित का पुण्यात्मा सही है, ईहा का अनिहा सही है, यानी ऑप्शन इसमें राइट होगा ब। अब पर्यायवाची से संदर्भ प्रश्न है। मोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी तीन तो मोर के हैं और एक अलग हैं। अई बक्षी, सीखी, केकी, वेंते। देखिए मोर का अही बक्षी सही है, अही का मतलब होता है सांप, सांप का भक्षण करने वाला मोर का आता है। सीखी भी इसी का है और केकी भी इसी का है। वेंते अलग हैं क्योंकि वेंते जो हैं गरुड़ का पर्यायवाची शब्द हैं। वेंते किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। अगला प्रश्न देखें, सोलवा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी तीनों जो हैं किसी एक के पर्यायवाची होने चाहिए, इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आजकल बनने लग गए हैं। क्या पूछ रहा है ये कि तीनों के एक ही ऑप्शन में जो है तीनों तीन तीन दे रखे हैं और तीनों जो हैं किसी एक के पर्यायवाची हैं। अटवी, कांतार, विपिन ये सारे वन के पर्यायवाची हैं। अटवी, कांतार, विपिन वन के पर्यायवाची हैं, तो ये भी राइट है। कृषाणु, जातवेद, वेश्वानर ये भी राइट है क्योंकि ये आग या अग्नि के पर्यायवाची हैं। कृषाणु, जातवेद, वेश्वानर। मगवा, वृत्रहा, पुरंदर ये भी इंद्र के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये भी राइट है। मदन रिपु, पिनाकी और अचूत, इसमें ध्यान रखा मदन रिपु, पिनाकी ये दोनों जो हैं भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, लेकिन अच्युत जो हैं ये विष्णु का पर्यायवाची हैं, विष्णु या कृष्ण के लिए आता है, इसलिए इसमें ऑप्शन द राइट होगा, ध्यान रखें इसमें ऑप्शन द राइट होगा। 17वां प्रश्न, मछली का पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखना है कि इसमें से मछली का पर्यायवाची हैं शफरी, मछली को शफरी कहते हैं, बाकी वाले भी देख लेते हैं। वारुणी, वारुण जी होता है ये शराब का पर्यायवाची है, वारुणी हाला ये शराब के पर्यायवाची हैं। राका, रात का पर्यायवाची है, राका रात का पर्यायवाची है, इसीलिए राकापति चंद्रमा को कहते हैं। क्षणप्रभा, क्षणप्रभा जो है बिजली का पर्यायवाची है, ध्यान रखें क्षणप्रभा बिजली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, गौर से ध्यान से करना है इनको। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर देना है हमको। तो मराल, चक्रांग, कलहंस, मनसोक, उपयुक्त शब्दों में हंस के पर्यायवाची कौन से हैं, तो देखना है कि उपयुक्त शब्दों में हंस के पर्यायवाची देखने हैं तो मराल हंस का पर्यायवाची है, चक्रांग भी है, कलहंस भी हैं और मनसोक भी हैं, इसलिए इसका द ऑप्शन राइट होगा, यानी मराल, चक्रांग, कलहंस, मनसोक ये सभी के सभी हंस के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखें, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, यानी चांदनी का कौन सा पर्याय नहीं है, यानी तीन शब्द जो हैं चांदनी के हैं। कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है और कलानिधि भी चांदनी का पर्यायवाची है। जात रूप जो हैं चांदी का पर्यायवाची है, ध्यान रखें जात रूप चांदी को कहते हैं। तो
इसमें ऑप्शन स राइट होगा। लास्ट प्रश्न देखें, 20वां, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, किस विकल्प के, तो इसमें एक विकल्प गलत है, तो महताब, राकापति और इंदूर, इसमें ये ही गलत है, क्योंकि महताब चंद्रमा को कहते हैं, राकापति भी चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन इंदूर चूहे को बोलते हैं, इंदूर चूहे को बोलते हैं, इंदु जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर यही थोड़ा सा मिस्टेक कर दी और ये ऑप्शन गलत कर दिया। ध्यान रखें, महताब, राकापति और इंदु चंद्रमा का है, इंदूर चूहे को कहते हैं। इसी में देखते हैं अपन कि हय, सैंधव और तुरंग ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं, पंचसर, मकर केतु, मीन केतु ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, पंचसर, मकर केतु, मीन केतु ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची है, सुनक, सार में, स्वान ये कुत्ते के पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। आप सभी ने ध्यान से सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।